Now we will look about tolerance. So what is tolerance? So in simple words, we will define tolerance. It is respect and acceptance of opposite view. आप अपने से अपोजिट व्यू जिसको मे बी यू डिसएग्री टू दैट और डिसलाइक इट बट यू आर एक्सेप्टिंग इट एंड रिस्पेक्टिंग इट दैट इज टॉलरेंस. ये अपोजिट व्यू किस किस स्फेयर में हो सकता है? तो नंबर ऑफ स्फेयर, रिलीजियस व्यूज, एथिकल व्यूज, प्रैक्टिसेस, लाइफ स्टाइल, बिहेवियर, आपका फूडिंग, आपका लैंग्वेज, आपका क्लोथिंग, ये सब में डाइवर्स सोसाइटी में अलग अलग होता है. तो आपको रिस्पेक्ट करना है, आपको एक्सेप्ट करना है. एंड स्पेशली इन द केस ऑफ इंडिया अगर हम लोग देखें तो इंडिया का मतलब इतना बड़ा कंट्री है, हर एक रिलीजन है, रिलीजन में भी डिवीजन है, विद इन अ रिलीजन अलग अलग प्रैक्टिसेस है, ज्योग्राफिकल लोकेशन अलग अलग है, लैंग्वेज इतना सारा है, ठीक है, हर एक जगह का प्रैक्टिसेस अलग है. आप हिली एरियाज में देखो, ट्राइबल एरियाज में देखो, मेनलैंड में देखो, सदर्न एरियाज में देखो. तो इतने डाइवर्स सोसाइटी में अगर आपको यूनाइटेड रहना है और पीसफुली रहना है तो टॉलरेंस होना बहुत जरूरी है. इट इज अ वेरी मतलब इम्पॉर्टेंट एथिक्स ऑफ आवर सोसाइटी. नाउ अगर हम लोग देखें कि इंडिया में टॉलरेंस का क्या है, तो इंडिया में देयर हैज बीन अ हिस्ट्री ऑफ टॉलरेंस. इफ वी स्टार्ट विद जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, तो वो क्या प्रीच करता है? महावीर का प्रीचिंग था लेट जियो और जीने दो, लीव एंड लेट लीव. बुद्धिज्म का था कि कोई फिजिकल हार्म नहीं किसी को पहुंचाना है, ठीक है. तो दिस इज अ टाइप ऑफ टॉलरेंस. फिर बहुत सारे हमारे रिलीजियस फिलोसफर जो हुए, जैसे कि भक्ति मूवमेंट के जो प्रीचर्स थे, फिर कबीर, पंथी, साई गुरु, ये सब जो है वो उनका कोई रिलीजियस लाइन नहीं था, वो फॉर इट वॉज ओपन फॉर ऑल. तो वो भी एक टॉलरेंस का सूफिज्म मतलब बहुत ज्यादा ब्रीच किया टॉलरेंस इंडिया में. फिर अकबर का जो दीन ए इलाही का कॉन्सेप्ट था कि हर एक रिलीजन के गुड्स को कलेक्ट करके एक नया रिलीजन बनाना, मतलब बेसिकली मोरालिटी का जो रिलीजन का कॉन्सेप्ट था, सो दैट ऑल्सो प्रीचेस टॉलरेंस. फिर हमारे अगर इफ वी टॉक अबाउट अवर लीडर्स, फ्रीडम फाइटर्स, गांधी जी, अंबेडकर, नेहरू, इवन भगत सिंह, ये सब भी कभी किसी पर्टिकुलर लाइन पे डिफरेंसेस, दे हैव नेवर प्रीच डिफरेंसेस एंड दे हैव ऑलवेज कॉल्ड फॉर इक्वालिटी एंड एक्सेप्टेंस ऑफ ऑल अमंग द सोसाइटी. इन इंडिया इफ वी स्पेसिफिक फोकस सोर्सेज की मतलब क्या इन्फोर्स करता है टेम्परेंस, तो वी शुड ऑल्सो फोकस ऑन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन. If we start with our preamble, तो preamble preaches secular and equality. Our country is secular and equal. Is a secular in nature and equality. It provides equality to all. ठीक है. Second, Article 42 18 right to freedom और Article 35 to 28 right to freedom of religion. ये सब provide करता है कि हर एक का views अपना जो उनका अपना practice है अपना view है वो इम्पॉर्टेंट है, वो उनके लिए उनका है. सो यू कांट मतलब स्टेट कैन नॉट मेक डिवीजन बेस्ड ऑन देयर प्रैक्टिसेस और व्यू. स्पेशली आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30 प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू फॉर अपलिफ्टमेंट ऑफ माइनॉरिटी, माइनॉरिटीज के प्रैक्टिसेस को अपहेल्ड करने के लिए वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है. साथ में अगर पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के लिए देखें तो हम लोग का मल्टी पार्टी सिस्टम है एंड वी कैन सी दैट हमारा पॉलिटिकल स्फीयर भी डाइवर्स है. कम्युनिज्म, सोशलिज्म, लिबरल पॉलिसीज, ये सब है हमारे पॉलिटिकल व्यू में. दोस्तों दीज आर द सोर्सेज ऑफ टॉलरेंस इन इंडिया. अब टॉलरेंस, व्हाई टॉलरेंस इज मतलब इसका यूजफुलनेस क्या होता है, फंक्शंस क्या है? तो सबसे पहले तो टॉलरेंस क्रिएटिविटी को इनवाइट करता है, मतलब इट इंक्रीजेस क्रिएटिविटी. ठीक है, आप किसी को फ्रीडम दे रहे हो कि वो अपने व्यूज के अकॉर्डिंग अगर आगे बढ़े, मतलब अगर शुरुआत से एग्जांपल देखें तो सुकरात या गैलीलियो, दे वर ऑल विक्टिम ऑफ इंटॉलरेंस. ठीक है. दूसरा,
अपलिफ्टमेंट ऑफ वीकर सेक्शन के लिए टॉलरेंस बहुत जरूरी है, साथ में टू मेंटेन कॉमनर हारमोनी इन सच अ डाइवर्स सोसाइटी, पीस के लिए टॉलरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड नेक्स्ट टीम बिल्डिंग, ठीक है, हमारा जो मतलब इंडियन सोसाइटी है उसमें कोई भी अगर ग्रुप बनता है, कोई भी टीम बनता है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बनता है, इट विल बी फुल ऑफ डिफरेंट व्यूज, डाइवर्स ओपिनियन, और ये सबको अगर कंपोजिट ले तो फॉर डेवलपमेंट, इकोनॉमिक, सोशल एंड नेशनल डेवलपमेंट टॉलरेंस बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। इफ वी गो कि फिलोसफर, आई वुड लाइक टू मेंशन स्पेशली इन फिलोसफी ऑफ जॉन, ये जॉन रॉल्स एंड कांत, कांत में था कि वो सबके इंडिविजुअल का रिस्पेक्ट, ठीक है, और ईच इंडिविजुअल को वो एक अपने आप में एंड मानता था, तो वहां पे वो भी एक तरह से टॉलरेंस का वहां से हमें मतलब एसेंस मिलता है। फिर जॉन रॉल्स का भी था इक्वालिटी एंड डिफरेंस फॉर अपलिफ्टमेंट ऑफ सोसाइटी, सो दीज मतलब ये दो फिलोसोफर का टीचिंग से वी कैन सी अबाउट टॉलरेंस। एंड लास्टली आई वुड लाइक टू मेंशन फ्यू एग्जांपल्स कि इंडिया में मतलब टोटल इनटॉलरेंस क्या, कैसे कैसे इंसिडेंट होते हैं विच कैन गिव मोर क्लैरिटी ऑन व्हाट इज टॉलरेंस एंड उसका क्या फायदा हो सकता है। तो रिसेंटली वी हैव सीन मेनी रिलीजियस क्लैशेस बेस्ड ऑन ईटिंग प्रैक्टिसेस, टेम्पल इशूज, पर्सनल लॉ, मतलब बेसिकली हिंदू मुस्लिम में जो डिवाइड आया और बहुत सारे कॉमनल राइट्स हुए हैं, दीज ऑल आर बेस्ड ऑन स्मॉल प्रैक्टिसेस या अपना बिलीफ, छोटा बिलीफ, जैसे काउ ईटिंग पे, तो यहाँ पे टॉलरेंस बहुत जरूरी हो जाता है बिकॉज वी हैव टू फाइनली एक्सेप्ट दैट दे आर पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी, ठीक है। सेकेंड, वी हैव सीन अटैक्स इन एंड वैंडलिज्म इन चर्चेस। दूसरा, अपार्ट फ्रॉम रिलीजियस स्फीयर, अटैक्स एंड मोलेस्टेशन ऑफ नॉर्थ ईस्ट सिटीजन इन देयर, मतलब उनका अपने कंट्रीज में, दिल्ली जैसे जगह में उनका उन पे कमेंट पास किए जाते हैं और उनका मोलेस्टेशन होता है। साथ में पर्सनल स्फीयर में अगर हम देखें तो एक्सक्लूजन एंड अटैक्स ऑन एलजीबीटी कम्युनिटी, वो भी वहाँ पे भी मतलब टॉलरेंस जो है वो मतलब जरूरी हो जाता है। नाउ करेंटली जो है पॉलिटिकल आइडियोलॉजी में भी बहुत सारा डिवाइड हो गया है, मतलब अगर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को फंक्शन करना है या डेमोक्रेटिक सोसाइटी को फंक्शन करना है तो अपोजिशन को बोलने देना होगा, अपोजिशन का व्यू सुनना होगा, डेफिनेटली वो गलत हो सकता है, वो अपोजिशन में है तो डेफिनेटली आपसे बहुत चीज अलग हो सकता है, बट यू विल हैव टू हियर हिम, यू कांट स्टॉप देयर। तो वी हैव सीन अटैक ऑन पॉलिटिकल ग्रुप्स, एंड लास्टली वी हैव सीन अटैक ऑन मतलब जो फ्री सोसाइटी है, जैसे जो हमने देखा था कि इंटेलेक्चुअल्स पे अटैक करना, स्टूडेंट पे अटैक होना, एंड शेमिंग देम इन द नेम ऑफ अर्बन नक्सल्स एंड इंटेलेक्चुअल टेररिस्ट, तो ये बहुत फैटल हो सकता है सोसाइटी के लिए। और जहाँ जो हमने बात किया था क्रिएटिविटी, उसको इट विल पुश डाउन। सो दिस वन ऑल, दिस वर ऑल ऑन टेम्परेंस। इन लास्ट आई वुड ऑल्सो लाइक टू एड दैट कि टॉलरेंस इज ऑलवेज रिक्वायर्ड फॉर बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। इन द नेम ऑफ टॉलरेंस यू कैनॉट, मतलब आप किसी को हार्म नहीं पहुंचा सकते हो इन द नेम ऑफ टॉलरेंस। देर आर मेनी स्फीयर वेयर गवर्नमेंट एंड वेयर इनफैक्ट पब्लिक शुड हैव जीरो टॉलरेंस, फॉर एग्जाम्पल क्राइम अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रेन, वी कैनॉट टॉलरेट क्राइम अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रेन, दे आर द मोस्ट, दे आर वन ऑफ द वीकेस्ट सेक्शन ऑफ आवर सोसाइटी, ठीक है। तो देयर वी विल हैव टू एक्सेप्ट द पॉलिसी ऑफ जीरो टॉलरेंस। साथ में क्राइम अगेंस्ट द वीकर सेक्शन, इनफैक्ट स्पेशली दलित एंड ट्राइबल्स, यू वी हैव टू मेंटेन अ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी फॉर क्राइम अगेंस्ट दलित एंड वीकर सेक्शन एंड करप्शन।
करप्शन ये सर मतलब ये एक करप्शन के अगेंस्ट में भी हमें जीरो टॉलरेंस लेवल है, वी कैन नॉट एक्सेप्ट करप्शन इन एनी फॉर्म और इन मतलब एनी सिचुएशन। सो ये सब कुछ फील्ड है जहां पे जीरो टॉलरेंस को वी विल हैव टू मेक अवर पॉलिसी।